Welcome to my channel Study with Kartik. Today we'll study English grammar present continuous tense. आज हम लोग present continuous tense पढ़ेंगे. Grammar की language में हम लोग time को tense बोलते हैं. और ये जो tense है, ये तीन parts में divide किया गया है. एक है present, फिर दूसरा है past, और फिर एक है future. प्रेजेंट मतलब कि अभी चल रहा समय, अभी जो समय चल रहा है. पास्ट का मतलब हुआ बीता हुआ समय. फ्यूचर का मतलब हुआ कि भविष्यकाल, भविष्य का समय. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो एक्शन बोलते समय होता है वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है. जो एक्शन बोलते समय होता है वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है. एग्जांपल, वी आर प्लेइंग फुटबॉल. हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं. सो दिस इज इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है क्योंकि यहाँ पर है ये अभी बोलते समय ये एक्शन हो रहा है, ये बोलते समय ये एक्शन हो रहा है, तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में. अब अगर हम लोग इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोले तो होगा वी प्ले फुटबॉल. तो ये हैबिट हो गया, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो गया. और वी आर प्लेइंग फुटबॉल तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में. द बर्ड्स आर चर्पिंग ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री. द स्टोन इज सिंकिंग टू द बॉटम ऑफ द पॉन्ड. तो ये दोनों सेंटेंसेस, ये तीनों सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, क्योंकि ये तीनों जो सेंटेंसेस है ये बोलते समय हो रहा है, तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में. द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हैज द फॉर्म. जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है वो ये है. सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये हो गया वी, द बर्ड्स और द स्टोन, प्लस एज एम आर. यहाँ पर एज हो गया, यहाँ पर आर है, यहाँ पर भी आर, प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ड. बेस फॉर्म ऑफ द वर्ड मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर चर्पिंग है, तो चर्पिंग का जो बेस फॉर्म हो गया वो हो गया चर्प. ये इसका बेस फॉर्म हो गया. बेस फॉर्म का मतलब हो गया कि सिंपल, जो सिंपल वर्ड है वी वन, तो ये हो गया चर्प. ये हो गया इसका बेस फॉर्म प्लस आई एन जी. अब हम लोग यहाँ पर आई एन जी एड कर देंगे. अगर हम लोग चर्प को प्लस आई एन जी लगा दे तो फिर ये बन जाएगा चर्पिंग प्लस ऑब्जेक्ट. फिर ये सब हो गया ऑब्जेक्ट. फ्री हो गया ऑब्जेक्ट. चर प्लस आई एन जी, सी प्लस आई एन जी, प्ले प्लस आई एन जी. तो फिर ये हो गया फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में. यहाँ पर है वी, वी सब्जेक्ट में हो गया, फिर आर, ये आर यहाँ पर हो गया. फिर प्ले में हम लोग अगर आई एन जी एड कर दे तो फिर यहाँ पर हो जाएगा प्ले. अब ये हो जाएगा फिर फुटबॉल, फुटबॉल फिर ऑब्जेक्ट, फिर डी बर्ड सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, फिर आर चर्पिंग. इसमें हम लोग चर प्लस आई एन जी कर दे तो ये हो गया चर्पिंग. On the branch of a tree, the stone is sinking to the bottom of the pond. ये भी सेम ही तरीके से है. इसमें हम लोग पहले सब्जेक्ट लगा दिए, फिर is या am या फिर are, फिर बेस वन ऑफ द वर्ड जिसका हम लोग वी वन भी कह सकते हैं, और उसमें हम लोग आई एन जी लगा देंगे प्लस आई एन जी. वी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट. सो दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वो होगी जो कि बोलते समय हो रहा है, जो एक्शन बोलते समय हो रहा है. तो फिर ये तीनों जो है, दी स्टोन इज सिंकिंग टू द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, तो ये एक्शन बोलते समय हो रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो गया. आप अगर हम लोग इसका सिंपल प्रेजेंट करें तो द स्टोन सिंक्स टू द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, तो ये सिंपल प्रेजेंट हो गया. द बर्ड्स चर्प ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री, तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि ये हैबिट हो गया. और यहाँ पर the birds are chirping on the branch of a tree, तो ये अभी करंट है, ये अभी चल रहा है, तो फिर ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में. प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.